दोस्तों पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही पूरे देश में इलेक्शन के वजह से जो भी काम रुका हुआ था वो सारा काम तेजी से स्टार्ट हो चुका है। खासकर बिहार में जितना भी काम रुका हुआ था, जो भी काम पेंडिंग में था, चाहे वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, मेट्रो हो, सबका काम काफी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा बिहार को लेकर के एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बिहार में पटना मेट्रो तो बन ही रहा है, इसके अलावा बिहार के और 4 बड़े शहरों में मेट्रो को चलाया जाएगा। यानी कि बिहार में टोटल 5 शहरों में मेट्रो को चलाया जाएगा। और ये सिर्फ टेम्पररी न्यूज नहीं है, इसको लेकर के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पटना को छोड़कर के बिहार के और किन किन जिलों में मेट्रो को चलाया जाएगा, इसमें कितना खर्च होगा, पटना मेट्रो का कितना काम बचा हुआ है, बिहार को 4 न्यू मेट्रो क्यों मिला, क्या सच में बिहार के इन 4 बड़े शहरों को मेट्रो की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पीएम मोदी की सरकार है, और चूंकि सेंटर में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, और ये बिहार के लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। ये वो टाइम है जब बिहार अपने राज्य में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पास करवा सकता है। अगर ये गठबंधन सही रहा तो आने वाले 5 साल तक बिहार में बमफोड़ काम होने वाले हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का अभी 15-20 दिन भी पूरा नहीं हुआ है और पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। जी हां गाइस, नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कि आज से लगभग 815 साल पहले जला करके राख कर दिया गया था, हमारी संस्कृति को मिटा दिया गया था, हमारा जो लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास था उन सब को जला दिया गया था। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि भारत 800 साल बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं भूला है और एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय रीओपन हो चुका है। एट प्रेजेंट टाइम नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के 17 देशों के 400 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बिहार में वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री के स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से बिहार नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बिहार के हर एक शहर को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को सही से ग्रो करना काफी ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि बिहार के 5 शहरों में मेट्रो को चलाया जाएगा, क्योंकि बिहार की जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में बिहार को मेट्रो की जरूरत है। अभी हाल ही में एनडीए गवर्नमेंट की कैबिनेट में मीटिंग हुई जिसमें बिहार के 4 और शहरों को मेट्रो की मंजूरी मिल चुकी है। बिहार सरकार राजधानी पटना को छोड़कर के 4 और शहरों में मेट्रो को स्टार्ट करने जा रही है। अगर इन शहरों की बात करें जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया शहर शामिल है। बिहार के ये चारों शहर काफी पॉपुलेटेड हैं, यहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पर मेट्रो बनाया जाता है तो यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी, ज्यादातर लोग मेट्रो में ही सफर करेंगे। इससे बिहार के इन शहरों का पॉल्यूशन भी कम होगा और बिहार भी बाकी डेवलप राज्यों की तरह ग्रो करेगा और एक नए बिहार के रूप में उभरेगा। पटना मेट्रो जिसे कि 13,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पटना में 26 स्टेशनों वाला 32 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के 2600 स्टेशन में हर जगह अलग अलग तरीके से काम चल रहा है, कहीं पर एलिवेटेड को बनाया जा रहा है, कहीं पर अंडरग्राउंड काम चल रहा है। अब इस वाले वीडियो में मैंने आपको पटना मेट्रो के बारे में लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया था कि कैसे कई जगह पर पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड का काम पूरा हो चुका है और नए जगह पर अंडरग्राउंड काम स्टार्ट हुआ है। आप चाहें तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने पटना मेट्रो के बारे में डिटेल में समझाया है। लेकिन अब बहुत अच्छी बात है कि बिहार के और 4 शहरों को मेट्रो मिलने जा रहा है। अब कुछ लोग कमेंट में आकर के बोलेंगे कि भाई क्या प्रूफ है कि बिहार के और 4 राज्यों में मेट्रो को चलाया जाएगा। तो गाइस आप आर्टिकल छोड़िए, डायरेक्ट इस वाले वीडियो को सुनिए कि बिहार मेट्रो को लेकर के कैबिनेट में क्या कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन की का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद DPR बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरम्भ किया जाएगा। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60, तो यही व्यवस्था रहती है। और इन 4 शहर है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। अब अभी भी कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो सिर्फ बोला गया है, मेट्रो को बनने में कई साल लग जाएंगे, हो सकता है बूढ़ा हो जाए। ठीक है, अपना अपना सबका थिंकिंग है, लेकिन गाइस कैबिनेट के द्वारा अगर मंजूरी मिल गई है
अगर नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी काम कर गई तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मंजूरी मिली है, इसके बाद इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, रूट मैप तैयार किया जाएगा। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, इन चार शहरों में मेट्रो को तैयार करने में जो भी खर्चा आएगा उसका 20% हिस्सा बिहार सरकार देगी, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 60% प्राइवेट कंपनी जो इसको बनाएगी, जो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर ही तो पैसा लगाते हैं, उन्हीं के पैसे से इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तैयार होता है। उसके बाद जब मेट्रो चालू होगा उनसे वो लोग अपना पैसा वसूलेंगे, कई गुना उनको फायदा होगा। भारत में जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं सबकी कहानी यही है, पैसा लगाने का काम बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो हमारे देश के हो या फिर अदर कंट्री के, वही लोग अपना पैसा लगाते हैं। तो अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो गाइस बिहार सरकार एक्शन मोड में है, बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और बिहार सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत बड़ी बात है, ये बिहार के सूरत को बदल करके रख देगा। बिहार जहाँ पर अभी एक भी मेट्रो ऑपरेशनल नहीं है, चार और मेट्रो की मंजूरी मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। वो दिन दूर नहीं है जब बिहार भी अन्य राज्यों के जैसा कई मेट्रो वाला राज्य बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी, स्वच्छ बिहार होगा, शिक्षित बिहार होगा, तब जाकर ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आएगी। अदरवाइज जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात, इन शहरों को चुनती है क्योंकि वो शहर काफी डेवलप है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिहार में अगर बड़े बड़े कंपनी को स्टैब्लिश करना है जैसे कि सेमीकंडक्टर प्लांट वगैरह को, तो सबसे पहले बिहार को डेवलप करना होगा। किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले वो अपने सारे फैक्ट को चेक करते हैं कि उनको यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश करने से नुकसान तो नहीं होगा। ओवरऑल अगर बिहार को मुंबई, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु इन शहरों के जैसा इंडस्ट्री का हब बनाना है तो सबसे पहले बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा और भारत सरकार, बिहार सरकार मिलकर के यही काम कर रही है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, कैबिनेट के द्वारा बिहार के इन चार शहरों में मेट्रो की जो मंजूरी मिली है कि सच में इन चार शहरों में बन पाएगा? अगर हाँ तो इसमें कितना टाइम लगेगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।